नवलखी मैदान खाते शनिवार सांजे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम आयोजन करायु। वडोदरा नवलखी मैदान पर शनिवार सांजे बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एटले के बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार योजायो हतो, जेमा बाबाए हिंदू राष्ट्र माटे हिंदुओं ने जागृत थवा माटे आह्वान कर्यु हतु। बाबा दरबार में 3 कलाक मोड़ा पड़ा होवा छता लोकोए तेमना दर्शन माटे प्रतीक्षा करी हती। दरबारनो समय सांजे 6 वाग्याथी हतो, परंतु उनाळाना आकरा ताप वच्चे पण बपोरे 3 वाग्याथी लोको नवलखी मैदान उपर उमटवा लाग्या हता अने सांजे 5 वाग्या सुधीमां तो मैदान में 1 लाख श्रद्धाळुओनी भरचक थई गयुं हतुं। बाबा सांजे 6 वागे ग्राउंड उपर पधारवाना हता ते पहेला लोक डायरा कलाकारोए लोकगीतोनी रमझट बोलावी हती, जो कि बाबा ग्राउंड उपर पहोंचवामां सतत मोड़ू थई रह्युं हतुं। बीजी तरफ खुल्ला मैदान में आकरा ताप नीचे पसीनाथी तरबर थता होवा छता 1 लाख भक्तोए बाबाना दर्शन माटे आखरी तपश्चर्या करी हती अने कोई मैदान छोड़ीने गयुं न हतुं। आखरे बाबा 3 कलाक मोड़ा एटले के रात्रे 9 वागे मैदान उपर पहोंच्या हता। बाबा ने दर्शन करीने भक्तो आकरो ताप अने गरमी भूली गया हता अने मोबाइलनी फ्लेश लाइट थी बाबानुं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। बीजी तरफ बाबा स्टेज उपर पहोंच्या त्यारे डायराना कलाकारों द्वारा गरबानी धून वगाड़वामां आवी हती, ते सांभळीने बाबा झूमी उठ्या हता। बाबाए तेमना प्रवचन में हिंदू सनातन धर्मनी रक्षा करवा माटे अने दीकरीओने लव जिहादथी बचाववा माटे जागृत थवा आह्वान कर्युं हतुं अने आवता वर्षे एटले के वर्ष 2024 में वडोदरामां फरीथी दिव्य दरबारनुं वचन बाबाए आप्युं हतुं। बाबा बागेश्वर धाम सरकारे नवलखी ग्राउंड उपर दिव्य दरबार में पधरामणी करता साथे ज ओरिसानी ट्रेन दुर्घटना में मृतकों ने श्रद्धांजलि माटे अने इजाग्रस्तों ने झड़पी रिकवरी माटे प्रार्थना करी हती अने मृतकों माटे 2 मिनिटनो मौन पड़ाव्यो हतो। समाचारोना सतत अपडेट मेळवा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब उपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोडायेल रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर उपर।